यात्री सेवा रेलवे सुविधा को समाप्त करने की साजिश का आरोप लगाकर कांग्रेस आगामी दिनों में करेगी उग्र प्रदर्शन, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता में देते हुए जिले के संगठन प्रभारी गिरीश देवांगन ने भाजपा पर साधा निशाना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश की सबसे विश्वसनीय यात्री सेवा रेलवे सुविधा को समाप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए दुर्ग के राजीव भवन में शनिवार को खनिज निगम और दुर्ग जिले के संगठन प्रभारी गिरीश देवांगन ने प्रेस वार्ता में मीडिया को जानकारी दी। वर्षों से भारतीय रेलवे आम जनता का भरोसेमंद, सस्ता और सुलभ परिवहन का पर्याय बना हुआ करता था, जिसे मोदी राज में रेलवे की विश्वसनीयता को खत्म करके निजी हाथों में बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिना कोई कारण बताए, बिना किसी ठोस वजह के यात्री ट्रेनों को अचानक रद्द कर दिया जाता है। रेलवे द्वारा यात्री ट्रेनों को महीनों, हफ्तों तक बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। महीनों पहले यात्रा की योजना बनाकर रिजर्वेशन कराए नागरिकों की परेशानियों से रेलवे को और केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं रहता। देश की आज़ादी के बाद ऐसी स्थिति केवल मोदी सरकार में आई है, जहां रेलवे की यात्री सुविधाएँ इतनी ज़्यादा खस्ताहाल हो चुकी है। वहीं आगे भाजपा सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि यात्री ट्रेनों को जानबूझकर रद्द किया जाता है, कभी कोयले की आपूर्ति के नाम पर, कभी कोई और कारण बताकर। ये विश्वसनीयता यात्री सेवा भारतीय रेल को बदनाम करने की साजिश है, ताकि लोग रेलवे से उब जाएं और रेल को भी मोदी अपने उद्योगपतियों, मित्रों के हवाले कर सके। भाजपा राज में रेलवे में मिलने वाली बुजुर्गों की छूट खा गए, छात्रों को मिलने वाली रियायत खा गए, किराए में बेतहाशा वृद्धि, प्लेटफॉर्म टिकट तक में कई गुना वसूली, दैनिक यात्री सरकारी और निजी क्षेत्र में कर्मचारी, पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं, कामगार, नौकरी पेशा, आम यात्री, सभी उपेक्षा पीड़ित और प्रताड़ित हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस विषय पर आक्रोश जताते हुए आगामी 12 सितंबर को स्टेशनों पर पहुंचकर प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी भी दे डाली। देखिए, रेल रोको आंदोलन का आगाज 13 तारीख को किया गया है और दुर्ग रेलवे स्टेशन में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। जिस प्रकार से लगातार 2020 से छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में जिस प्रकार से ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, जो बहुत ही शोचनीय स्थिति, और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का हिडन एजेंडा है कि रेलवे के ऊपर जो आदिकाल से, वर्षों से जो विश्वास जमा है यात्रियों का, यात्री परिवहन में, उसको समाप्त करके मालवाहकों को प्राथमिकता देना और धीरे धीरे यात्री ट्रेनों को बंद करके लोगों का आकर्षण जो है और लोगों की जो उपयोगी बहुत बड़ा परिवहन का सुविधा है, उसे समाप्त करके अपने साथियों को सौंपने का ये षड्यंत्र है, जिसके विरोध में हम लोग 13 तारीख को रेल रोको आंदोलन दुर्ग रेलवे स्टेशन में करेंगे। साथ ही 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को हमारे सभी कांग्रेस जन पोस्टर अभियान भी चलाएंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे, लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से यात्री ट्रेनों को बंद करके मालवाहकों को आगे बढ़ा रहे हैं और मालवाहक किन के हैं। अडानी को कोयला ले जाने के लिए सब ट्रेनों को रद्द करके हजारों, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दर्जनों बार रेल मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लेकर इस प्रकार से अचानक ट्रेनों को रद्द किया जाता है उसके बारे में उनको उससे बार बार आग्रह किया, लेकिन कोई सुनवाई केंद्र के द्वारा नहीं की गई है, जिससे मजबूर होकर रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस द्वारा आक्रोश जताया गया है, साथ ही दुर्ग रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन की बात कही गई है। देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरह का निर्णय लिया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।